हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, और आज की वीडियो में 8 से लेकर 15 सितंबर के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर यानी सितंबर माह का दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर है जिसकी हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो की PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले ये एप्लीकेशन है हमारी, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। तो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के, सीधे वीडियो पे आएंगे। क्विक रिवीजन के पोर्शन में जो पिछला वीक का हमारा करंट अफेयर था उसका हम रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न था अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995। याद रखिएगा, अधिनियम की बात नहीं कर रहा हूँ, नियम 1995 की बात कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत गठित की गई थी राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति। तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। दूसरा प्रश्न, किस जिले में जाम नदी में गोटमार मेला आयोजित किया जाता है? और ये होता है छिंदवाड़ा में। तीसरा प्रश्न है कि प्रदेश में कौन सी नई नीति लागू की गई है और इस नीति का नाम है रेत नीति 2019। वहीं चौथा प्रश्न है कि 65वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ किया गया है? और इसका शुभारंभ किया गया है भिंड में। और पांचवा प्रश्न है कि रामगमन पथ के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपये का आवंटन दिया है? इसमें जो है 2000 करोड़ का आवंटन जो है सरकार के द्वारा दिया गया है। वहीं छठवां प्रश्न है कि 4 सितंबर को राज्य स्तरीय पोषण माह कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका शुभारंभ हुआ ग्वालियर से। और सातवां प्रश्न कि आदिवासियों को आर्थिक सहायता देने के लिए निवासी आदिवासी विकास खंड हैं उसमें कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका नाम है मुख्यमंत्री मदद योजना। आठवां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत किस स्टेशन से की जाएगी? तो नवंबर के माह में ये शुरुआत की जाएगी इंदौर से। और नवा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री द्वारा इंदौर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा, ये किया भी जा चुका है, इसकी लागत क्या है? तो 7500 करोड़ रुपए की इसकी लागत है और ये 2022 के अंत में या 2023 के प्रारंभ में इसका जो है एक चरण पूरा कर लिया जाएगा। 10वां प्रश्न है कि प्रदेश के किस मंदिर को स्वच्छ आइकॉनिक स्थल का पुरस्कार मिला है? और ये महाकाल मंदिर उज्जैन है। वहीं 11वां प्रश्न है कि किस जिले को जन्म के समय बाल लिंगानुपात में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है? और ये पुरस्कार दिया गया है रीवा को। और 12वां प्रश्न है कि प्रदेश के कितने थाने CCTNS प्रोजेक्ट में शामिल किए गए हैं? तो प्रदेश के सभी 1061 थानों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये तो थे हमारे पिछले करंट अफेयर के पढ़े गए प्रश्नों का क्विक रिवीजन। बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि 13 सितंबर 2019 को मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये जो स्थापना दिवस मनाया गया 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो 13 सितंबर 2019 को मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इस बार का जो विषय था, संगोष्ठी भी आयोजित हुई थी इसी के उपलक्ष में। इस संगोष्ठी का जो विषय था जल अधिकार मानव अधिकार, इस पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। अब परीक्षा दृष्टि में बात करेंगे मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। तो सितंबर 1995 को मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि दूसरा प्रश्न है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा साइंस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मध्य प्रदेश में ये जो साइंस सेंटर है इसकी स्थापना की जाएगी छिंदवाड़ा में। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसके द्वारा छिंदवाड़ा में साइंस सेंटर यानी कि विज्ञान संग्रहालय या विज्ञान साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी, राइट। अब इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो युवा पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, उनका बौद्धिक विकास हो और विज्ञान की तरफ उनकी जो दृष्टि है वो सुधरे, वो जागरूक बने और एक प्रकार से पर्यटन को भी बढ़ावा इसके तहत दिया जाएगा। बात करेंगे छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, उनका गृह जिला भी वो है, वहाँ से विधानसभा से विधायक भी कमलनाथ जी ही हैं। नामकरण इसका जो किया गया छिंदवाड़े का, छींद करके खजूर जैसा पेड़ होता है उसके नाम पर, जो कि यहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है, उसके कारण इसका नाम छिंदवाड़ा पड़ा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि तीसरा प्रश्न है कि सेफ सिटी कार्यक्रम को 2019-20 से 2021-22 तक प्रदेश के कितने शहरों में संचालित किया जाएगा? तो इसको संचालित किया जाएगा 6 शहरों में। तो कौन कौन से वो 6 शहर, उनके बारे में जान लीजिए, तो इसकी डिटेल में बताऊंगा आपको। तो मध्य प्रदेश का जो बाल विकास विभाग है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश बाल विकास विभाग, जिसकी मंत्री कौन है? तो इमरती देवी, नाम सुना होगा आपने, इमरती देवी काफ़ी फेमस भी रहती हैं
अपने बयानों के कारण, और कई बार वो चीज़ों को पढ़ नहीं पाती हैं उसके कारण भी। तो उसके अंतर्गत जो निर्भया फंड है केंद्र सरकार ने बनाया था, उस केंद्र सरकार के बनाए गए निर्भया फंड से केंद्र प्रवर्तित यानी केंद्र सरकार की एक योजना है सेफ सिटी कार्यक्रम, उसको 2019-20 से लेकर 2021-22 तक मध्य प्रदेश के 6 शहरों में चलाया जाएगा। और ये 6 शहर कौन से हैं, इसमें 4 तो जो है महानगर हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। 2 जिले और हैं, छिंदवाड़ा और छतरपुर। याद रखिएगा छिंदवाड़ा में भी काफ़ी काम हो रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस वहाँ पर रहता है, राइट। सेफ सिटी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है बालिकाओं और महिलाओं को शहर में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, ये जो सेफ सिटी कार्यक्रम है इसका मूल उद्देश्य यही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि चौथा प्रश्न है कि अटल नवाचार मिशन के तहत अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर, इसकी स्थापना की गई है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो राज्यपाल है वर्तमान में मध्य प्रदेश के लालजी टंडन, पहले कौन थी, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल अब कहाँ की राज्यपाल बन गई हैं, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बन गई हैं। और लालजी टंडन पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो बिहार के राज्यपाल थे। बिहार में अब राज्यपाल कौन बन गए, तो फगु चौहान बन गए। तो ये राज्यपालों का काफ़ी अभी बदलाव हुआ है, तो वो आपको सब याद रखना है। तो इनके द्वारा जो रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है भोपाल में, उसमें जो है शुभारंभ किया गया अटल इंक्यूबेशन सेंटर का, राइट। अब ये उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि जो अटल नवाचार मिशन केंद्र सरकार के द्वारा चला रहा है, उसके तहत भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसको बढ़ावा देना, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव हों और जो समस्याएं हैं उसका हल खोजें, राइट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम पांचवें प्रश्न की, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय पहले तो कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो है रीवा में है, और इसके कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर पीयूष रंजन। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो राज्यपाल है लालजी टंडन, लालजी टंडन ने डॉक्टर पीयूष रंजन अग्रवाल को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का कुलपति नियुक्त किया है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो राज्यपाल होते हैं वो उस राज्य में स्थित सभी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उन सब के क्या होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं, राइट। तो फिर वहाँ पर क्या कुलपति नियुक्त किए जाते हैं, कि वाइस चांसलर या वीसी जिनको कहा जाता है वो नियुक्त किए जाते हैं, याद रखिएगा। अब अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, कहाँ पर स्थित है, रीवा में स्थित है। रीवा दो तीन चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो सुपारी के खिलौनों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, सुपारी के खिलौनों के लिए। दूसरा इसका फेमस होने के कारण क्या है, यहाँ पर है बीहड़ नदी, बीहड़ नदी जिस पर बना हुआ है, 2-3-4 फॉल हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर चचाई जलप्रपात है, राइट, चचाई जलप्रपात है। उसके अलावा रीवा में ही केवटी बहुटी ये जलप्रपात भी स्थित है। उसके अलावा रीवा जो है सफ़ेद शेर की भूमि के लिए फेमस है। सफ़ेद शेर, कौन सा सफ़ेद शेर, नाम क्या था, मोहन, दुनिया का पहला सफ़ेद शेर ना कहकर उसको बाघ किया जाए, एक्चुअल में बाघ था वो, सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि छठवां प्रश्न है कि ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधित है। तो ग्राम पंचायत विकास योजना का संबंध जो है ग्राम पंचायतों के विकास से है। अब क्या ये योजना है और क्यों लागू की गई है, इसके उद्देश्य क्या है, वो सब देख लीजिए। तो प्रदेश की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, 23,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, उसमें वर्ष 2020-21 तक के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाई जाएगी, राइट। अब इस योजना के अंतर्गत होगा क्या, सबकी योजना सबका विकास, इसके तर्ज पर ये जो हमारा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग है जिसके मंत्री कमलेश्वर पटेल हैं, उस विभाग के द्वारा इस योजना को जो बनाया जाएगा, और 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती होने वाली है उससे लेकर 31 दिसंबर तक प्रदेश में जन अभियान इसके तहत चलाया जाएगा। तो इस प्रकार की एक योजना बनाई जा रही है, राइट। और प्रदेश जो ग्राम पंचायतें हैं उनको 29 विषय सौंपे गए हैं, याद रखिएगा संविधान ने ये 29 विषय ग्राम पंचायतों को या पंचायती राज को सौंपे हैं। तो उससे संबंधित जो विभाग हैं उसके कर्मचारी गाँव का सर्वे करेंगे और ग्राम पंचायत की विकास योजना को तैयार करेंगे, जिससे वहाँ पर विकास हो सके। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि सातवां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आवास मिशन शहरी, इसका शुभारंभ किस जिले में किया गया है। तो मुख्यमंत्री आवास मिशन शहरी, इसका जो शुभारंभ किया गया है वो झाबुआ जिले में किया गया है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, और उनके द्वारा झाबुआ के
कि प्रदेश के अंदर जो शहरी गरीब आवासहीन हैं, ऐसे जिनके पास आवास नहीं है, शहरों में रहते हैं, उनको आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना का शुभारंभ किया है और इसके तहत किया जाएगा। प्रदेश के सभी शहरों में गरीबों को आवासीय भूमि का पट्टा दिया जाएगा और पक्का आवास उनको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत 5 लाख आवास बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है और इस मिशन का ध्येय वाक्य रखा गया है, सबको मिले मकान, है ये लक्ष्य महान, याद रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पर आपको झाबुआ के बारे में कुछ मैं चीज़ें बता देता हूँ। झाबुआ में एक मुर्गी की नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है कड़कनाथ, जो बहुत फेमस है और इसको जीआई टैग दिया गया है, तो ये आप याद रखना है, जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा झाबुआ में सर्वाधिक जो है, काफ़ी बड़ी संख्या में, सर्वाधिक तो नहीं, सर्वाधिक जो जनसंख्या निवास करती है एसटी की, वो धार में निवास करती है। झाबुआ में बड़ी संख्या में एसटी की जनसंख्या निवास करती है और यहाँ का जो भागोरिया पर्व है, भागोरिया, वो बहुत फेमस है, राइट। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो भीलों के द्वारा भागोरिया मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 8वां प्रश्न है कि शहरी मामलों में अनुसंधान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? और ये समझौता किया गया है मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में कई बार मैनिट पढ़ दिया जाता है, राइट, उसके द्वारा किया गया, भोपाल में स्थित है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो शहरी मामलों में अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए और जो नॉलेज है, जो रिसर्च होगा, उसको आदान प्रदान के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान है, ये संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। तो ये आपको एक याद रखना है, जीके का इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। इसके द्वारा जो मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, भोपाल में स्थित है ये भी, उन दोनों के बीच में MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसके तहत जो मैनेट के छात्र हैं उनके द्वारा जो सुझाए जाएंगे कार्य, वो इस संस्थान के द्वारा, जो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान है, वो उसके माध्यम से क्रियान्वित करवाया जाएगा और सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस को शोध के क्षेत्र में मैनेट का सहयोग दिया जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे। परीक्षा दृष्टि में बात करता हूँ मैं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की, तो मई 2014 में यह अस्तित्व में आया था और इसे सितंबर 2007 में सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था, यानी पहले इसका नाम सुशासन और नीति विश्लेषण स्कूल था, बाद में इसको संस्थान में बदल दिया गया और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान नाम दे दिया गया मई 2014 में। 9वें प्रश्न की बात करेंगे, अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले के शहरी क्षेत्रों की शालाओं को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा? तो अक्षय पात्र फाउंडेशन इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, और इसको दिया जाएगा भोपाल और रायसेन में, राइट। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है, दोनों। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो भोपाल और रायसेन के शहरी छात्रों क्षेत्रों के जो विद्यार्थी हैं, करीब 35,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, वहाँ पर अच्छा मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए जो HEGL मंडीदीप और अक्षय पात्र फाउंडेशन और भोपाल और रायसेन की जिला पंचायतों के बीच में MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं और अक्षय पात्र फाउंडेशन क्या करेगा, इसके तहत एक अत्याधुनिक किचन का निर्माण करेगा और उस किचन से खाना बनेगा भोपाल और रायसेन जिले के जो शहरी क्षेत्रों के स्कूल हैं उन सब के लिए, और उस भोजन को जो है मध्याह्न भोजन के रूप में उन स्कूल्स में पहुंचाया जाएगा। तो याद रखना है आपको, अक्षय पात्र फाउंडेशन कौन चलाता है, तो आपने नाम सुना होगा इस्कॉन टेम्पल, तो इस्कॉन टेम्पल के द्वारा इसको जो चलाया जाता है और ये जो है अधिकतर जगह पे तो फ्री में काम करता है या लागत मूल्य पे काम करता है, इसका उद्देश्य जो है लाभ कमाना नहीं होता है, तो ये आपको इसमें एक याद रखनी है बात को। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 10वां प्रश्न है कि भारतीय वेटरनरी एसोसिएशन की 29वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में भोपाल में किया गया। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है, राइट। तो इसमें सारंगी साहब जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, आप देख पा रहे होंगे इन्होंने भी भाग लिया है, राइट। अब आज का प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि सारंगी साहब हैं, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, कहाँ से ये सांसद हैं, इनकी और क्या डिटेल है, तो कमेंट करके बताइएगा। जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण हुआ था, प्रधानमंत्री जी का और पूरे मंत्रिमंडल का, उस समय काफ़ी चर्चा इनकी रही थी। डिटेल देख लीजिए इनकी क्या है। तो भारतीय वेटरनरी एसोसिएशन की 29वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल में किया गया और इस कॉन्फ्रेंस में पशुपालन और डेयरी उद्योग को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, पशुधन का कैसे संरक्षण हो और गौशालाओं को कैसे हाईटेक किया जाए, इन सब विषयों के ऊपर चर्चा हुई है।
अब परीक्षा दृश्य में बात करेंगे मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री की, तो लाखन सिंह यादव मध्य प्रदेश में पशुपालन मंत्री हैं और भितरवार विधानसभा जो ग्वालियर से है वहां से ये विधायक हैं। आगे बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ कि हिंदी साहित्य के वर्ष 2018 का शिखर सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो 2018 के लिए, 2016, 17, 18 तीनों सालों के लिए ये प्रदान किया जा रहा है, और 2018 के लिए ये श्री शशांक को प्रदान किया जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। और देख लीजिए किन किन को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो संस्कृति विभाग जो है उसके द्वारा 2016 से लेकर 2018 तक के शिखर सम्मानों की घोषणा की गई है, और ये सम्मान कुल 29 कलाकारों को, साहित्यकारों को प्रदान किए जाएंगे। 9 अलग अलग विधाएं हैं जिन अलग अलग विधाओं के अंदर ये प्रदान किए जाएंगे, राइट। अब उसमें से हिंदी साहित्य के लिए, इन 9 विधाओं में से हिंदी साहित्य के लिए 2016 का जो शिखर सम्मान है वो दिया जाएगा स्वयं प्रकाश जी को, 2017 के लिए नरेंद्र जैन जी को, और 2018 के लिए शशांक जी को। तो ये नाम आपको याद रखना है। अब परीक्षा दृष्टि में मैं आपसे बात करूंगा शिखर सम्मान की स्थापना की। तो 1980 में शिखर सम्मानों की स्थापना की गई थी, और इसमें जो राशि दी जाती है 1 लाख रुपये वर्तमान में दी जाती है, पहले ये 62,000 रुपये की राशि दी जाती थी, और इसमें केवल मध्य प्रदेश के कलाकार और साहित्यकारों को ही ये शिखर सम्मान जो है दिए जाते हैं। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा सम्मान 2018 प्रदान किया गया है? और ये प्रदान किया गया है डॉक्टर बालेंदु शर्मा दधु जी, प्रोफेसर कपूर मलजैन और चंद्रकांत पाटिल तीनों को। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इन तीनों को इसी सम्मान के तहत, तीन कैटेगरी हैं उसके अंतर्गत ये सम्मान दिया गया है। तो ये सम्मान किसने दिया? पहले तो जो संस्कृति मंत्री है मध्य प्रदेश की डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, उनके द्वारा कब दिया गया? हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, हिंदी भाषा सम्मान 2018 प्रदान किए गए हैं, राइट। अब हिंदी भाषा सम्मान 2018 के अंतर्गत जो गुड़गांव यानी गुरुग्राम के डॉक्टर बालेंदु शर्मा दधीची हैं उनको जो दिया गया सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान दिया गया, राइट। उसके अलावा भोपाल के लेखक और शिक्षाविद प्रोफेसर कपूर मलजेल, इनको दिया गया गुणाकार मूल्य सम्मान, और पुणे के अहिंदी भाषी कवि और लेखक हैं चंद्रकांत पाटिल, इनको दिया गया राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान। तो ये तीन सम्मान दिए गए हैं, हिंदी भाषा सम्मान 2018 के अंतर्गत ही ये तीनों सम्मान प्रदान किए जाते हैं। इन तीनों में सम्मान निधि जो दी जाती है वो 1 लाख रुपये का सम्मान इसमें प्रदान किया जाता है। अब बात करेंगे संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो की। तो ये महेश्वर विधानसभा क्षेत्र है, महेश्वर विधानसभा जो कि खरगोन जिले के अंतर्गत आते हैं, आता है वहाँ से ये विधायक हैं, याद रखिएगा। तो ये तो था आज का हमारा पूरा वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।